जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए, नमस्कार, सीपीटी भारत न्यूज चैनल आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि पांडे। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। जनपद औरैया में बसपा सुप्रीमो मायावती का आगमन होते ही लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के महिला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा जिले से 1 किलोमीटर दूर भदौरा ग्राम के समीप आज बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी की जनसभा हुई, जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब एकत्र हो गया। लगभग 2:30 में उनका आगमन हुआ। उनके आगमन होते ही लोगों में हर्ष और जोश की लहर दौड़ गई। मायावती काशी राम जिंदाबाद के नारे लगे। सुश्री मायावती ने भाषण में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। दलित पिछड़े शोषित वर्ग को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। अगर बसपा की सरकारें बनती हैं तो मुकदमे वापस लिए जाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। इसके साथ बसपा विधायक प्रत्याशी विधुना विधानसभा 202 से गौरव रघुवंशी जी को कीमतों की वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की। जनपद और रेया से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार में प्रदेश में SC/ST का सरकारी बैंकों में आरक्षण खत्म कर दिया गया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार BSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल उठा दिया, सरकार ने उसे साथ ही नहीं होने दिया। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना खत्म कर दी, पंचशील नगर का नाम बदलकर ठाकुर कर दिया, संत रविदास नगर का नाम बदलकर इन्होंने भदोही कर दिया, भीम नगर का नाम बदलकर अमर कर दिया। सरकार ऐसे कई और जिलों के भी नाम सपा सरकार ने अपनी जाति वाली मानसिकता के तहत अंतर बदल लिए। छत्रपति शाहू कॉलेज का नाम बदलकर कॉलेज कर दिया, माननीय मंत्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय माता का नाम बदल दिया गया, माननीय अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से विमोचन कर दिया गया, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का पूरे प्रवेश समाप्त कर दिया, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के शुल्क प्रतिबंधी पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति को रोकने का काम किया गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अभी मार्च जिस विश्वविद्यालय का नाम भी बदल दिया गया, लखनऊ के गोमती नगर में सरकार ने बनाया गया था उसका नाम बदल कर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया गया। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी संकीर्ण अहंकारी तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह चुनाव में भी BSP से जुड़े
ध्यान में रखकर फिर उसके अनुपात में ही व्याकरण समाज के लोगों को टिकट दीजिए। और अपनी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस बीजेपी सपा अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपने एकमात्र नीतीश कुमार के बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र उत्तर प्रदेश के लिए देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकार थी, किंतु गलत नीतियों एवं गलत कार्यप्रणाली की वजह से ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र या काफी राज्यों के साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की जो सत्ता से भरा हो चुकी है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खास करके आप दलित आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी है और अभी भी है, जिस कारण ही केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मुखिया व भारतीय संविधान को मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांतिराम जी के बयान होने पर भी केंद्र ने उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की दिल्ली सरकार में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही किसानों की भी किसी भी मामले में किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके कानपुर मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के भी विवादित नियमों वे कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब या लचर नहीं होने दिया जाएगा। मेरी सरकार ने उन्नाव की तरह हमारे दलित वर्ग की बहन बेटियों को तो दो दो महीने उनकी हत्या करके गड्ढों में नहीं गाड़ने दिया जाएगा। जैसे उन्नाव में आप लोगों को ये घटना देखने के लिए मिली है तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों बदमाशों माफियाओं व अन्य अपराधित एवं अराजक तत्वों को ही जेल की सलाखों से अंदर भेजा जाएगा। जहाँ मेरी सरकार ने इनकी जेल की बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार ने
प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ अपराधिक तत्वों को ही जेल की सलाखों के अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही किसानों की भी किसी भी मामले में किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके कानपुर मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों वे कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा। मेरी सरकार ने उन्नाव की तरह हमारे दलित वर्ग की बहन बेटियों को तो दो दो महीने उनकी हत्या करके गड्ढों में नहीं गाड़ने दिया जाएगा। जैसे उन्नाव में आप लोगों को एक घटना देखने के लिए मिली है तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों बदमाशों माफियाओं व अन्य अपराधित एवं अराजक तत्वों को ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। जहाँ मेरी सरकार ने इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ अपराधिक तत्वों को ही जेल की सलाखों के अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मामला भी शामिल है क्योंकि हमारी पार्टी नई पेंशन व्यवस्था से कतई भी सहमत नहीं है। इसलिए बीएसपी की सरकार बनने पर फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है जिसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं तो उससे भी आप लोगों को
बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 में हुए विधानसभा आम चुनाव में, उस समय मीडिया में जो BSP को लेकर ओपिनियन पोल सर्वे आदि दिखाए गए थे तो वो गलत ही साबित हुए थे, और इस बार भी आप लोगों को गलत साबित करना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में वो अपने हवा हवाई प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टी अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है। जिन पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उतर गया है, इसलिए इस मामले में BSP किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी BSP कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों नई सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों नई सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास आम जनता के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की रही सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज़्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदल कर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही बुलाने में लगी हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियाँ ज़्यादा सरकार में रहने के बाद शायद BJP की सरकार सुरक्षा के फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह BJP सरकार की भी दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों सगाई के संतों गुरुओं वे महापुरुषों आदि के प्रति उनकी भी जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में सपा के साथ साथ BJP को भी हमें सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी रूढ़िवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी गई है। नेटवर्क नहीं आ रहा, इनका जैमर चल रहा है, पता नहीं कब नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ। सही से विकास चल रहा है, मुझे कह रहे हैं लाइव चल नहीं पा रही है, नेटवर्क दिखा दे रही है, काफी ज्यादा शोषण धर्म के नाम पर हमेशा वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बड़े हैं, खासकर महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों मजदूरों बेरोजगारों व अन्य मेहनत लोगों के साथ साथ दलितों आदिवासियों अन्य पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इन वर्गों के लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो BJP की सरकार में अधिकांश यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है, विशेषकर मुस्लिम समाज को
सरकार ने सबसे ज्यादा दुखी रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार ने अपर कास्ट समाज में से प्रबुद्ध वर्ग भी प्रबुद्ध वर्ग में से खासकर ब्राह्मण समाज भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा उनके गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं और ऐसा लगता है बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर उनको इस सरकार में भी लाइन करना पड़ा है। इस प्रकार से नई सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की नई सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में या प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। अपने चारों नए शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के बिना कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के साथ साथ सब समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार भी सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। और खास तौर से मैं बेरोजगार नौजवानों को ये बताना चाहती हूँ कि जब चार बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो आप लोगों को बड़े पैमाने पर रोटी रोजी के साधन मिले, लेकिन उसके बाद से आप लोगों की उपेक्षा की गई है। और जब बीएसपी की सरकार बन जाएगी तो बीएसपी की सरकार बनने पर इस बार बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी के साधन जरूर दिए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार ने ही दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों